सिम्बा क्या कर रहे हो? मजा आ रहा है? उम्मीद है कि आप सब खुदा की पाक हिफाजत में अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और बड़े अच्छे से सर्दी की शुरुआत को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मज़ा आ रहा होगा, ओखली वगैरह खा रहे होंगे। तो आज मैं आपको अपने किचन गार्डन का विजिट कराने लगी हूँ। किचन गार्डन मीन्स जो मैंने बाकी चीज़ें लगाई हैं, इसमें थोड़े से टमाटर लगाए हैं और लहसुन प्याज लगाया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं मेरे घर के पास ही नर्सरी है तो वहाँ से मैं ये लेके आई थी। ये है टमाटर की पनीरी थी जो कुछ उग चुकी थी। पहले मैंने खुद से भी ग्रो करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं ग्रो हुए। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा, जब से लॉकडाउन हुआ है तो बड़ा दिल कर रहा था सब्ज़ी भी हम उगाएं, लेकिन ये पहले नहीं हो सका। तो इस दफ़ा फिर मैंने ये टमाटर, ये देखें ये टमाटर मेरा उग गया। ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है और हम बेहद खुश हैं इसको देख के। बहुत बड़ी अचीवमेंट का एहसास हो रहा है। और ये भी हैं लेकिन ये भी बहुत अच्छा सा पौधा है। और ये इसमें ये देखें कि छोटे छोटे पौधे हैं। ये मटर मैंने मटर डालने हैं, मैं बीज लेके आई थी, ये निकल आए हैं। और भी हैं, अभी जब वो उगेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो है ये भी हैं और ये भी मैंने टमाटर के छोटे छोटे पौधे ये जो है ये क्रेट में लगाए हैं। ये अभी देखें ये कितने बड़े होते हैं। ये इसके साथ एक बेल है, मुझे इसका नाम नहीं आता। इस पर ये छोटा सा येलो सा खूबसूरत सा फूल निकल रहा है जो बेहद खूबसूरत लग रहा है और बड़ी अच्छी शाइनिंग आ रही है इसकी। ये छोटी सी मैंने ये नीचे ये टर्टल वाइन का लगाया था, एक टहनी लगाई थी छोटी सी, तो वो चल रही है काफ़ी खूबसूरती से। ये देखें और अब मैं दिखाती हूँ आपको एक और चीज़। ये यहाँ पे एक बेल है ये रखे, तो इनको उगाऊंगी। लेकिन जब मैं गई नर्सरी पे तो वहाँ पे ये बेल पड़ी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सर्दी की बेल है या गर्मी की बेल है, तो उन्होंने कहा ये सर्दी में ग्रो करती है। तो मैंने, मुझे शौक भी बहुत था तो मैंने खरीद ली। अब मैंने इसको ला के लगाया है लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे जाके देखा है तो वो ये बता रहे हैं नहीं, ये विंटर में नहीं होती, ये समर की बेल है। तो कोई बात नहीं, अब ये लग गई है तो अब जो खुदा को मंजूर। और ये हमारी मनी प्लांट है ये वाली, जो कि ये जो है ये हमारा एरोकेरिया का दरख्त है। ये एरोकेरिया हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है, इस पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो रहती हैं, उन्होंने घर बनाए हुए हैं, बुलबुल भी आती है, बहुत सारी अभी भी ऊपर बैठी हुई हैं और बहुत अच्छा लगता है जब इनकी आवाज़ आती है। तो उसी के पास ही मैंने मनी प्लांट लगाई थी। बड़ा खुश और स्ट्रेस फ्री रहता है। और सबसे बड़ी बात है जब आप गार्डनिंग करते हैं तो आप बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ गुजारते हैं। डिफरेंट लोगों के मिजाज और डिफरेंट चीज़ों को आप समझने लग जाते हैं। आपको ख़ासतौर पे ये पता चल जाता है कि जैसे हर पौधे का मिजाज एक जैसा नहीं, उसको डिफरेंट मौसम चाहिए, अलग अलग मौसम चाहिए, अलग अलग धूप के शेड्स चाहिए, इसी तरह इंसान को भी आप समझने लग जाते हैं। फिर आप सभी के साथ एक जैसा सलूक नहीं करते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इसके ये जो है कुछ वेरिएटेड सा हो गया है। देखें इसके जो पत्ते हैं ये काफ़ी अच्छे, हालांकि सर्दियों में जो है मनी प्लांट हमारी वो डोरमेंसी में चली जाती है, लेकिन ये है कि ये अभी फ़िलहाल तक तो ठीक है, शायद नेक्स्ट मंथ से ये डोरमेंसी में चली जाएगी। लेकिन अभी इसके फ्लीक्स बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये भी पौधा है, मुझे इसका नाम नहीं आता, ये काफ़ी अरसे से हमारे पास है ये भी, और ये भी बहुत सालों से इसी में है, ये बहुत सालों से ये खुद ही इसमें जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और फिर खुद ही निकल भी आते हैं। और इनका मुझे नाम नहीं पता लेकिन शौक की वजह से मैंने। और ये भी जो है हमारा ये स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये तो मैंने आपको बेल अभी पहले दिखाई है, ये भी जो बेल है ये किसी ने काट के फेंकी हुई थी, ये हिबिस्कस की है, हिबिस्कस प्लांट है ये, तो मैंने ला के कटिंग जो है इसमें लगा दी थी
और इस पे एक फ्लावर भी आया था और बहुत अच्छा लग रहा है। इसका भी नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन ये कम से कम हमारे घर में ये जो है इसको जो है इसका जो मदर प्लांट था वो तो कंस्ट्रक्शन की वजह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये इसकी जड़ें खुद ही आके ये इधर उगा है। एक्चुअली जो मदर प्लांट है वो उधर था, यहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है, तो ये बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। और अभी ठंड की वजह से मैंने कुछ इनको साइड पे रखा हुआ है, उधर वो ज़्यादा अच्छे से चल रहे हैं और खुदा का शुक्र है। ये भी देखें, एक ये खुद ही उगा है और ये खुद ही, इसने भी खुद ही ग्रो किया है, इधर नहीं हमने इसको लगाया। लेकिन ये है कि जो इधर जितने पौधे हैं, ये जो इसको जो मेरे माली ने मुझे बताया, इसको सेरा बेल कहते हैं, और ये काफ़ी इसने इन पर, यहाँ एक हमारा दरख्त था उसके ऊपर ये इसने सारी अपना घर बनाया हुआ है और बड़े अच्छे से इस पर सारा इसने अपना ऊपर काफ़ी बड़ी हो गई है और काफ़ी इसकी छांव है और खूबसूरती है। तो ये जो नीचे प्लांट्स हैं इसकी वजह से आप ये देखो कि ये नीचे वाले जो पौधे बढ़ रहे हैं उनका जो कलर है, ये देखें ये जो कलर है इनका बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो है ये पर्पल हार्ट है और ये एक बेल है, इसका नाम अब मुझे याद नहीं है। तो जितने पौधे मैंने इसके नीचे लगाए थे सभी ग्रो कर रहे हैं और अच्छे से बढ़ रहे हैं। और ये मैंने गुलदाउदी के लगाए हुए हैं, अभी तक तो इनको कोई फूल नहीं लगा, इनको 2-3 माह तो हो ही गए हैं, लेकिन आगे देखें अब बढ़ जाएंगे। तो और ये जो है ये मेरा, ये काफ़ी पुराना है, ये है लेमन ग्रास। ये लेमन ग्रास है, इसको भी जब मैं पौधे लाती जाती हूँ खुशी से तो फिर ला के रखने की जगह भी, क्योंकि बहुत छोटा सा लॉन है मेरा तो जगह ख़त्म हो जाती है और फिर मैं इधर उधर इनको रखती रहती हूँ। लेकिन ये हर जगह पे ये चीज़ें बढ़ती भी नहीं हैं, इनके लिए बड़ी स्पेशल जगह को, ये हर जगह को पौधा जो है वो पसंद नहीं करता और हर पौधे का अपना एक मिजाज होता है और वो बस खुद ही अपनी सेटिंग करता है। और ये देखें ये होली बेजल है, ये होली बेजल का पौधा है, ये तुलसी, ये जो है ये मैंने इसको ऊपर से काट दिया था, अब ये नए पत्ते इसके आ गए हैं और इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, बल्कि हाथ लगाएं तो हाथों से भी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और इसको भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको इसके फ़ायदे मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। और ये एक दिन मेरा अदरक ग्रो कर गया था, ये तो मैंने अपने माली को ला के दिया कि आप इसको लगा दो, और उन्होंने लगा दिया था यूनुस भाई ने। तो अब ये काफ़ी महीने हो गए हैं इसको, लेकिन उन्होंने कहा था जब पत्ते सूखेंगे तो तब ही इसको निकालेंगे, अभी हार्वेस्ट करने का इसका टाइम नहीं आया। तो देखेंगे जब ये बढ़ेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जो पौधा है ये मैं नहीं इसको लेके आई, ये यूनुस भाई ही लेके आए थे, जो मेरे माली हैं उन्होंने ही ला के अपनी खुशी से लगाई थी इसकी एक फैमिली बहुत साल पहले। तो ये काफ़ी ग्रो किया है, अब तो ये मेरे कद से भी बड़ा हो गया है और इसी पर चढ़ी हुई है ये अपराजिता की बेल। ये देखें ये इसके बड़े खूबसूरत से फूल है। और ये इसको पहले मैं मॉर्निंग ग्लोरी समझती थी, लेकिन ये अपराजिता है और बहुत खूबसूरत इसके फूल खिल रहे हैं। लेकिन अब मैंने इसको, क्योंकि ये मेरी मनी प्लांट के ऊपर चढ़ गई है, तो मैंने अब इसको बीज के लिए छोड़ा हुआ है कि ये बीज इसके बन जाए, क्योंकि फिर मैंने उनको जो है रखना है नेक्स्ट सीज़न के लगाने के लिए, फिर मैं इसकी शायद एक ही चैनी रखूँगी। ये देखें इसके पत्ते कितने कितने बड़े अच्छे हैं, और ये देखें कितने अच्छे अच्छे पत्ते हैं इसके, ये भी यहाँ डिफरेंट कलर दे रही है, खूबसूरत कलर और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और ये इसमें बड़ा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें कि अपराजिता की बेल जिस चीज़ पे भी चढ़ेगी तो उसको जो है ये ख़त्म कर देती है, ये मतलब जाहिर है अपना घर बना लेती है उसके ऊपर और फिर ये जो है मतलब दूसरे पौधे को बढ़ने नहीं देती। ये देखें इसके नीचे मेरी बहुत सारी मनी प्लांट थी, ये देखें ये ढेर सारी मनी प्लांट है, ये बहुत खूबसूरत चल रही थी, इसके ऊपर ही अपराजिता का पौधा आ गया सारा,
ये देखिए ये ऊपर आ गया सारे और इसने उसको कवर कर लिया मनी प्लांट को। अब जब इसके ये जो है इसके मटर जैसी ये फलियाँ जब ये ब्राउन हो जाएंगी तो मैं इनको तोड़ लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कटिंग करा दूँगी इसकी ताकि थोड़ी सी रह जाए बेल और मेरी मनी प्लांट फिर से हरी भरी हो जाए। अब मैं दिखाती हूँ अपना एक और पौधा, ये नीम का दरख्त है और मैंने इसको एक बाल्टी में ही लगाया हुआ है, टूटी हुई बाल्टी में, और खुदा करे ये इसी में बड़े फूले फले। और ये दो जो इसमें हैं ये इसकी टहनी भी साथ में, ये देखें ये टहनी टूट चुकी है लेकिन उसके ये जो हैं ये फूल ये आ रहे हैं अभी तक, तो मैं अभी इसको कोई थोड़ी सी टेप लगा दूंगी ताकि वो चलता रहे, उसका सिलसिला ख़त्म ना हो। और ये खुद ही मुझे लगता है शायद यूनस भाई ने मुझे बताया था कि ये शायद की बात है, मुझे नहीं पक्का पता, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा था कि ये जो है ये पपीता है। अब ये कुछ बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं बाहर वाले छोटी सी क्यारी में लगा दूँगी। और ये देखें एक ये फूल है, ये इनका कलर डिफरेंट है, ये भी बड़े अच्छे से बढ़ रहे हैं, उग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये, और ये भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है इसमें। और ये पुदीना है, पुदीने को हमेशा कभी भी इतने बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए, उस वक्त मुझे समझ नहीं थी इसकी रूट्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसको हम छोटे और चौड़े बर्तन में लगा सकते हैं, इसको किसी वक्त में निकाल के छोटे और बड़े गमले में चौड़ाई में जो बड़ा हो और लंबाई में बड़ा ना हो उसमें लगा दूँगी। इनके काम दिखाती हूँ, आपको पहले भी बताया था ना कि सन होती है तो इनको जो है वो हम दिन में बाहर रखते हैं, तो ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, मगर पौधे ये कभी भी नहीं ख़राब करते, साइड साइड से ही होके जाते हैं। सिम्बा क्या कर रहे हो, मज़ा आ रहा है? उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो जो और देखने और सुनने के लिए थैंक यू, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो जो और देखने और सुनने के लिए थैंक यू, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।